अध्यक्षता, शामली दौरा हुआ रद्द। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे भूपेन चौधरी और वो दौरा रद्द हो चुका है। यूपी उपचुनाव परिणाम पर करने वाले थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन चौधरी ने कैंसिल किया दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव के परिणामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जिसका दौरा अब उन्होंने रद्द कर दिया। शामली दौरा यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने रद्द किया। तला, जिस तरीके से भूपेन चौधरी ने, अब बड़ी खबर आई है, भूपेन चौधरी ने क्या कहते हैं कि दौरा रद्द कर दिया शामली दौरा, क्या ये वजह मानी जाए बीजेपी की हार की? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव को लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और अब देखिए उपचुनाव के जिस तरह से नतीजे हैं, कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द करी है और शामली दौरा भी रद्द कर दिया है। अब देखिए बीजेपी इस पर मंथन जरूर करेगी कि आखिर क्या वजह रही वो चुनाव हारने की, और एक बड़े अंतर से हारी है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को इस पर मंथन करना पड़ेगा। और जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति बनाई थी वो सारी रणनीति फेल हो गई है। कहीं ना कहीं जनता है उसने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब अगर जिस तरह से लगातार बीजेपी पार्टी आरोप लगा रही थी कि एक तरह की सिंपैथी है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनको वोट मिलेंगे, पर जिस तरह से वोट मिले हैं डिंपल यादव को, तो देखिए एक मेहनत भी कह सकते हैं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि लगातार जिस दिन से मुलायम सिंह यादव खत्म हुए थे, निधन हुआ था उनका, उसके बाद से ही लगातार समाजवादी पार्टी और जो यादव परिवार है वो मैनपुरी में ही सैफई में था और लगातार चुनाव प्रचार में जुटा हुआ था। और अखिलेश यादव खुद तमाम जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, डिंपल यादव फील्ड पे थी, शिपाल यादव की बात की जाए, उनके उनके बेटे आदित्य यादव की बात की जाए, तो पूरा जो यादव परिवार है वो कहीं ना कहीं इन तीनों सीटों के चुनाव को बड़ी बारीकी से देख रहा था और बड़ी मेहनत की पूरे यादव परिवार ने, जिसका देखिए जो नतीजा है वो हमारे और आपके सामने और जनता के सामने है। बिल्कुल तला, नतीजा सभी के सामने और जो तस्वीरें हैं वो कुछ ही घंटों में सामने भी आ जाएंगी और साफ हो जाएंगी कि क्या नतीजे होने वाले। लेकिन नतीजे तो जिस तरीके से देखे जा रहे, शिवपाल यादव ने ट्वीट कर भी खुशी जाहिर कर दी और जनता का, जन समर्थन का धन्यवाद भी किया है। वहीं अगर बात करें कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सपा हारती है तो सपा का पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाए, ये चीज भी सामने आई है जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं। जो डिंपल यादव है वो मुलायम सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, उसको भी, उसका आंकड़ा भी तोड़ चुकी है।